सीनियर तजिया कार हारून रशीद का एक प्रोग्राम में कहना है कि जिंदगी के आखिरी अयाम में नईम उल हक काफ़ी तकलीफ़ में मुबला रहे हैं और अक्सर ऐसा होता रहा कि वो लोगों को पहचान नहीं पाते थे और उनका कहना था कि बावजूद तकलीफ़ के वो अच्छे कपड़े पहनकर अक्सर ऑफिस चले जाया करते थे और काम करने की कोशिश भी करते रहते थे। सीनियर तजिया कार का मजीद कहना था कि आखिरी अयाम में नईम उल हक वज़ीर आज़म इमरान खान को बार बार पैगाम पहुँचाते रहे कि वो उनसे मिलना चाहते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान जब नईम उल हक से मिलने गए तो उन्होंने दरख्वास्त की कि वो शहबाज गिल को माफ़ कर दें और उन्हें कोई ओहदा दे दें। वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ के बानी और सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म इमरान खान के मावन खसूसी नईम उल हक इंतकाल कर गए हैं। नईम उल हक तवील अरसे से ब्लड कैंसर के अर्ज़े में मुबतला थे और तहरीक इंसाफ के मरहूम रहनुमा नईम उल हक का इंतकाल से पहले जारी किया गया आखिरी पैगाम भी सामने आ गया है। नईम उल हक शदीद इलाजत की वजह से सोशल मीडिया से भी दूर थे और उन्होंने अपना आखिरी पैगाम गुज़िश्ता माह जारी किया था। नईम उल हक ने अपने पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया था। नईम उल हक ने अपने इस आखिरी पैगाम में कहा था कि वो शुक्रगुजार हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान उनसे मुलाकात के लिए आए और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। हम लोगों ने मिल बैठकर सियासत और मौजूदा हालात पर तवील गुफ्तगू भी की है। मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।